आपका स्वागत है कश्मीर में। आज हम आपको देसी स्टाइल में कश्मीरी सन ड्राइड फिश खिलाएंगे। सबसे पहले हमने कढ़ाई रख दी है, अब इसमें रोस्ट करेंगे इसको 5 to 10 मिनट्स। तो शौक तो मुझे बचपन से ही था खाना बनाने का। अब हम ट्रेडिशनल वे में खाना बनाते हैं, लोगों को बताते हैं कि क्या क्या कश्मीर में बनता है। सारा हमारा सेटअप भी देखिए वैसा ही है। अब इनको हम गर्म पानी में डालेंगे 5 मिनट्स, फिर उसके बाद इनको साफ करके फिर हम इनका तड़का बनाएंगे। इस पे हम हांडी रखेंगे, जब तक ये गर्म होगी फिर इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। तो ये आ गया यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। ऑयल जो है ना वो गर्म किया जा रहा है, तो साथ ही साथ तड़के लिए जो वेजेस हैं वो तैयार की जा रही हैं। अब हम इसमें तेल गर्म हो गया, हम प्याज डालेंगे। अब जब तक ये ब्राउन होगा प्याज, तब तक हम साथ साथ फिश भी साफ कर लेते हैं। तो अपने बारे में थोड़ा बताइए कि क्या कर रहे हो आप और कैसे आपको ये आइडिया है? मुझे तो बचपन से ही शौक था कुकिंग करने का, साथ साथ में मैं ग्रेजुएशन भी कर रही हूँ। हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है कश्मीरी विलेज किचन। हम चाहते हैं कि कश्मीर का खाना पूरी वर्ल्ड को पता चले। इसमें हम गार्लिक डाल रहे हैं, हल्दी डालेंगे हम। जब तक ये मसाला भून नहीं जाएगा तब तक हम इसमें टमाटर ऐड नहीं करेंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद ना इसको अच्छे से हिलाया जाएगा। तो लगभग मैम कितने टाइम तक इसको ऐसे ही भुना जाएगा? अभी हार्डली 10 मिनट लगेंगे। तो अभी 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही भुना जाएगा। तो उसके बाद इसमें क्या ऐड किया जाएगा? उसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे। ये हमारे सारे मसाले हैं, ये कस्तूरी मेथी है, ये जीरा, ये लौंग है, सारे मसाले इसमें यूज होंगे। उसके बाद हम फिर फिश ऐड करेंगे। मसाला भुन गया, अब हम इसमें मोटी इलायची डालेंगे और थोड़े से लौंग ऐड करेंगे। जो तड़का हमारा है वो पूरा रेडी हो गया। अब हम इसमें फिश ऐड करेंगे, ये सारी फिश हम इसमें ऐड करेंगे। फिर इसको 5 मिनट तक हम पूरा कुक करेंगे, इसके बाद फाइनल है। तो मैम अभी कितना टाइम लगेगा इसको फाइनली बनने के लिए? बस 5 मिनट लगेंगे हार्डली। फिश के अलावा क्या क्या बना लेते हो आप यहाँ पे? लगभग तो सारे रेसिपी बना लेती हूँ मैं। हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं नॉर्थ इंडियन फूड की भी। ये बन के अब रेडी हो गया, अब हम इसे इस सर्विंग बाउल में निकालेंगे। तो गाइस यहाँ पे ना एक बार सेटअप चेक करो कि पूरी वाइब जो है ना वो बिल्कुल ही एक कश्मीरी टिपिकल विलेज स्टाइल वाली आ रही है। नीचे आप बर्फ चेक कर सकते हो, थोड़ी देर पहले ना यहाँ पे स्नोफॉल भी हुआ था। तो -5 डिग्री में यहाँ पे हमारे लिए सन ड्राइड फिश जो है वो मैम रेडी कर रहे हैं। तो मैम अभी बताइए कि रेडी हो चुकी है या अभी कितना टाइम लगेगा? जी रेडी हो गई है, बस अब हम इसे सर्व करेंगे। तो मैम जो वीडियो आपकी देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहोगे आप? ऐसी और रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है कश्मीरी विलेज किचन। हम अपने कश्मीर के कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं। कश्मीरी विलेज किचन के नाम से यहाँ पे चैनल इनका बना हुआ है। तो बिल्कुल इसी टिपिकल स्टाइल में आपको वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको देखना पसंद है तो इनका चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को सपोर्ट करिए। हम मिलते हैं आपको एक ऐसे नई वीडियो में। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और हमारे पेज फूड फाउंडर को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा।